अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम हिस्ट्री में जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो उसके अलावा इनका जो है वो हिस्ट्री में की रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को भी प्रूव करने में जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है इन मुस्लिम साइंटिस्ट का। लेकिन हम यहाँ पे 9th क्लास की किताब में डिस्कस किए गए मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन मुस्लिम साइंटिस्ट के टॉपिक को लर्न करने के लिए हमारे पास 3 मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है ना। आपने वो 3 मेन हेडिंग्स देनी है हर एक मुस्लिम साइंटिस्ट में और उस हिसाब से उसको याद करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रो देना है उस साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। सेकंड हेडिंग है हमारे पास, सेकंड हेडिंग है वर्क। आपने वर्क बताना है उस साइंटिस्ट का कि उसने क्या क्या काम किया है, ठीक है। और थर्ड हेडिंग है हमारे पास फेमस बुक। जो भी फेमस बुक्स जो हैं उस साइंटिस्ट की वो आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। तो वन बाय वन जो है यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट जाबर बिन हियान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन सा है, जाबर बिन हियान, ठीक है। तो जाबर बिन हियान का जो था वो जो टाइम था वो था 721 to 815 AD, ठीक है ना। तो 721 में जो थे ये इनकी बर्थ हुई थी और 815 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका इंट्रो, ठीक है। तो इंट्रो में क्या है कि ये जो है इनकी बर्थ हुई थी ईरान में, लेकिन जो इन्होंने मेडिसिन के ऊपर काम किया था ना, जो वर्क किया था, ठीक है ना, वो कहाँ पे किया था, इराक में। तो प्रैक्टिस मेडिसिन इराक में। अब कभी कभार ये होता है कि हम लिख देते हैं ईरान की जगह इराक और इराक की जगह जो है वो ईरान लिख दिया रहता है, कि लिख दिया रहता है कि ही वाज बॉर्न इन इराक एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन ईरान, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो ABC में फर्स्ट सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है N, ठीक है, उसके बाद आता है फिर क्यू, ठीक है ना। तो एन जब पहले आता है तो इसका मतलब है कि बर्थ हुई थी पहले, ठीक है। बर्थ के बाद फिर बाद में उसने मेडिसिन के ऊपर वर्क किया है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्यू आता है ये बाद में आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में। तो ये इराक के एंड पे क्यू आता है, तो फिर बाद में मेडिसिन इसने प्रैक्टिस की थी। ईरान के एंड में एन आता है तो एन पहले आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में तो उसने ये जो था ये इसकी बर्थ हुई थी ईरान में, और मेडिसिन की प्रैक्टिस इसने की थी इराक में, क्योंकि क्यू आता है बाद में, तो इराक हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है हमारी यहाँ पे वर्क, ठीक है। तो अगर हम वर्क की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को प्रूफ किया था केमिस्ट्री के, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और केमिस्ट्री के डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को भी जो था प्रूफ किया था कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट जो है बेनिफिशियल है जो, और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ही डन एंड प्रूफ मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को जो था वो प्रूफ किया था बाद में, ठीक है ना। साथ साथ उसको सारा बताया था कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, उनकी मिक्सिंग जरूर करके इन्होंने उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो बताए थे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके वर्क में ये भी आता है कि इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। दे आल्सो राइट ए नंबर ऑफ द बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्क के बाद इसकी कुछ फेमस बुक्स की,
ठीक है, इनकी कुछ फेमस बुक्स की बात यहाँ पे कर देते हैं हम, किन की, जाबिर बिन हयान की। तो अगर हम फेमस बुक्स की बात करें तो फेमस बुक्स में आता है अल नबातात एंड अल हैवान, अल नबातात एंड अल हैवान, ठीक है। तो जो अल नबातात है, हमें पता है नबातात किनको कहते हैं, प्लांट्स को, तो ये बुक जो होती है किसके लिए स्पेसिफिक होगी, प्लांट्स के लिए। और अल हैवान, हैवान कहते हैं एनिमल्स को, तो ये बुक स्पेसिफिकली किन के लिए लिखी गई है, एनिमल्स के लिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट, वो है अब्दुल मलिक इस्माइल, अब्दुल मलिक इस्माइल, ठीक है। तो अगर हम इनकी सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की, सबसे पहले अगर हम इनकी इंट्रो की बात करें, तो ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। ही वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड द एनिमल इन डिटेल। तो मुस्लिम साइंटिस्ट, ये इनकी क्या है, खूबी है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स, एनिमल को इसने स्टडी किया था इन डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने एनिमल्स को पढ़ा था, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास वर्क, अब्दुल मलिक इस्माइल का जो वर्क है, इन्होंने वही बात जो हमने इधर की थी कि एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था, तो यहाँ भी हम यही बात करेंगे, ही स्टडी एनिमल्स इन डिटेल, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, हम इसके यहाँ पे बात करते हैं जो इन्होंने बुक्स लिखी थी, तो बुक्स की यहाँ पे इनकी बात करते हैं, तो एक बुक थी इनकी अल अबील, ठीक है, ये किनके लिए थी, कैमल्स के लिए, कैमल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी ये इसमें दी गई थी। दूसरी बुक थी इनकी अल ख़याल, इसमें किन की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हॉर्स की, ठीक है। तीसरी बुक थी अल वहूश, इसमें किन की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, एनिमल्स की, टोटल एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी, ठीक है। और एट द एंड जो थी ये बुक चौथी, वो थी खालिकल इंसान, कल इंसान, तो इसमें किन की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ह्यूमंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉली सिन्हा की, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बॉली सिन्हा, ठीक है। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 980 AD है, ठीक है, और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1037 AD, ठीक है। तो अगर हम इनके इंट्रो की बात करें, ठीक है, इंट्रो इनका देखें, तो ही वाज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन वेस्ट के अंदर, इन वेस्ट, तो इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है वेस्ट में। और जो दूसरा नाम है वो है इनका एविसिना वेस्ट में, एविसिना इन वेस्ट, और इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद इनकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, या वर्क, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकी अचीवमेंट्स, ठीक है। तो अचीवमेंट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, ही वाज ए फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, पोइट, फिलोसोफर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर हमें पता है वो जिनको जो है वो चांद तारों के बारे में नॉलेज हो, ठीक है ना। उसके बाद है पोइट, ये पोइट्री भी करते थे, और ये फिलोसोफर भी थे, ठीक है ना।
क्लियर। अब हम इनकी फेमस बुक की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी फेमस बुक की बात करें तो वो है हमारे पास अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कानून ऑफ मेडिसिन इन, सॉरी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। किसकी चीज़ के कैनन? कैनन ऑफ मेडिसन्स, मेडिसन्स का कैनन इसको कहा जाता है वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। जो कैनन वर्ड है ना, इसको यूज़ करते हैं हम कानून के लिए, ठीक है ना, लॉ के लिए। तो ये क्या होता है कि इसके जो ये बुक है, ये यूज़ की जाती है डिफरेंट मेडिसन्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेडिसिन, दुनिया में डिफरेंट मेडिसिन बनाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनके पास ये बुक मौजूद है, ठीक है। और वो तमाम मेडिसिन से इसके अंदर मौजूद फार्मूला की मदद से बनाते हैं। तो कोई भी मेडिसिन अगर इससे हट के बनाई जाए तो ये क्या होगी, जो 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 जो, जो होगी, ये एक जुर्म होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो होता है, जो इस बुक के अंदर होता है, इस कैनन ऑफ मेडिसिन के अंदर, जिसको अल कानून फिल तिब कहते हैं, ये जो होता है ये दवाइयों के लिए फार्मूला होता है। और अगर इस फार्मूले के से हट के कोई काम किया रहेगा तो वो खिलाफे जुर्म होगा, ठीक है ना। तो आई होप तो कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।